हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जी और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 70 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर सीए इंटर ग्रुप 2। देखो, आपके ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है। नंबर 1 कॉस्ट, सेकंड ऑडिट एंड थर्ड एफएम एंड एसएम। हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का है और आपको पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% यानी 40 मार्क्स लाने और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने यानी टोटल आपको 150 मार्क्स लेकर आने। तो आपके सेकंड ग्रुप में ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें 50 मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करेंगे जिसमें हम एग्जम्पशन ला सके, 60+ ला सके एंड बचे हुए दो सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50 मार्क्स लेकर आए ताकि इजीली आपका ओवरऑल ग्रुप निकल जाए। देखो, मैंने थ्री रिविजन में बेस्ट एलोकेशन कैसे किया है। फर्स्ट रिविजन में 42 डेज यानी हर एक सब्जेक्ट को 14 डेज, सेकंड रिविजन में मैंने 18 डेज यानी हर एक सब्जेक्ट को 6 डेज एंड थर्ड रिविजन में मैंने हर एक सब्जेक्ट को 3 डेज यानी टोटल 9 डेज और एक दिन आपको ग्रेस का दिया है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है या फिर कोई इमरजेंसी आके तो आप उसमें कवर कर लीजिएगा। ये हमारा 70 डेज का प्लान है। आपको मैं एक एक चीज बताने वाली हूँ कि फर्स्ट रिविजन में क्या करना है, सेकंड रिविजन में क्या करना है, थर्ड रिविजन में क्या करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर ये प्लान आपने फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली आपका ग्रुप क्लियर होके रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिविजन से। तो फर्स्ट रिविजन में आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले ओवरऑल सिलेबस देखो, क्या क्या टॉपिक कवर है, हर एक टॉपिक का कितना वेटेज है, हर एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल आता है या थ्योरी आता है, कितने मार्क्स का आता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। एक पास्ट ईयर का पेपर उठाना है और देखना है कि यार किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा है, ये सारी चीजें आपको पहले एनालाइज करनी है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि रिवीजन करना है मतलब कोई भी एक चैप्टर उठाया और रिवीजन फटाफट करना स्टार्ट कर दिया। ना, हमें खाली रिवीजन नहीं करना है, पास भी होना है। अगर आप पहले से ही सब्जेक्ट का रिव्यू कर लेते हो ना तो आपको पहले से आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, इस चैप्टर में मुझे थ्योरी क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। इससे आपके जो रिवीजन होगा ना एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले आपको उसका ओवरव्यू लेना है। फर्स्ट रिवीजन में हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कॉमन थिंग वो पहले डिस्कस करें, फिर हम एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे और देखेंगे हमें उसमें क्या करना है। देखो, फर्स्ट रिवीजन में ना आपका टारगेट होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं फ्रेंड से, टीचर से, जिससे पूछ सकते हो ना सोल्व कर लो, क्योंकि बाद में अब टाइम नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन सोल्व करो, एबीसी एनालिसिस करो, एलडीआर मार्क करो क्वेश्चन पर। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिविजन, कि यार एग्जाम के एक दिन पहले कुछ क्वेश्चन रखो जो आप रिवाइज करके जाओ, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है खाली कॉन्सेप्ट रीड करके गए और क्वेश्चन के स्टेप्स भूल गए ना तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन रखो जो आप एग्जाम टाइम पर रिवाइज करके जाओगे। एंड थर्ड थिंग जो आपको हर एक सब्जेक्ट में करनी है, मेक अ समरी ऑफ लिमिट्स फॉर्मूला। अगर कोई फॉर्मूला आ रहा है तो उसकी समरी बनाओ, लिमिट्स की समरी बनाओ, क्योंकि लास्ट डे में ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप बुक को ओपन करो, एक एक चीज देखो, तो जितनी समरी आपके पास होगी ना आप लास्ट डे रिविजन अच्छे से कर पाओगे। आपको फर्स्ट रिवीजन में इस तरीके से समराइज करके सारी चीजें रखनी है कि आप 1.5 डेज में यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन प्लान कि यार हमको फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है और थर्ड में क्या करना है। डिटेल डिस्कशन होने वाला तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 70 डेज रिवीजन प्लान से। रिवीजन 1 में आपको 42 डेज दिए गए हैं जिसमें हमने 14 डेज इस सब्जेक्ट को दिए हैं। आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपका कोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो उसको आप ज़्यादा दिन दे सकते हो, एफएम को कम दिन दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। देखो, आपको फर्स्ट रिविजन में करना है क्या, सबसे पहले फर्स्ट रिविजन का टारगेट क्या है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रीडिंग है। यानी कि अगर आपने अभी से सब समझा है तो सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आप रीड कर रहे हो, जितने भी फॉर्मूले के बीच में आ रहे हैं, उन सब की समरी आपको बनानी है ताकि लास्ट डे रिवीजन पर आप उसे इजीली रिवाइज कर सको। जितने भी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने, आईसीआई स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी जो भी अवेलेबल सोर्सेस है आईसीआई के, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे तो आप उसको कट मार दो कि नेक्स्ट टाइम आपको उन्हें देखना ही नहीं है।
हर एक चैप्टर में आपको एबीसी एनालिसिस करना है। ये एबीसी एनालिसिस हम यूज करेंगे हमारे तीनों रिवीजन में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे मार्क्स करने हैं जो लास्ट डे रिवीजन के लिए हो, यानी लास्ट डे रिवीजन के टाइम पर आप कॉन्सेप्ट के साथ उन क्वेश्चंस को देख लेते, आपका ओवरऑल रिविजन हो जाए। देखो कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा मार्क्स लेते, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटिंग, कोस्ट शीट, एबीसी, मटेरियल एंड लेबर, ये आपके 60% मार्क्स कवर करते हैं। तो आप इन्हें पहले कंप्लीट करने का ट्राई करो और इस पर ज़्यादा फोकस रखो, ताकि एटलीस्ट आपके 60% कोर्स के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो, आप एग्जामिनेशन इसमें स्कोर कर सको। यही सेम ट्रिक आपको एफएमएल एसएमएल में भी यूज करनी है। पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके लिए समरी नोट्स बनाओ फॉर्मूले की, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, एबीसी एनालिसिस करो और एलडीआर क्वेश्चन को मास्क करो। अब देखो एफएमएल एसएमएल कुछ चैप्टर्स है, लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अपने आप में अच्छा वेटेज रखते हैं। जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 15-20% वेटेज रखता है, और ये कॉस्ट, कैपिटल, लेवरेज, ये सारे चैप्टर 45-50% वेटेज रखते हैं। तो आप पहले इन्हें कवर करने की ट्राई करो, इन पर ज़्यादा फोकस रखो। अब ऑडिट क्या करना है, जिसमें स्टूडेंट इजिली पास नहीं होते, तो सबसे पहले आप ऐसे चैप्टर्स को टारगेट करो जिससे आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स तो आ जाए। देखो ऑडिट के जो पीछे छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, उनसे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उनमें मेहनत कम लगती है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको अच्छे से समझने का ट्राई करो, और जो स्मॉल चैप्टर्स है ना उनकी समरी बना दो, क्योंकि लास्ट डे रिविजन में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा आप सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर पाओ। लेकिन अगर आपके पास समरी होगी ना, तो आप इजीली सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। अगर आपके पास किसी टीचर की समरी अवेलेबल है चैप्टर्स की, तो बेस्ट है आप उसे प्रिफर कर लो, उसे रीड करो, प्लस उसमें जो भी एडिशन आपको आईसीएआई स्टडी मटेरियल से लगता है कि नहीं ये पॉइंट रह गया या फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें ऐड करते जाओ। आपको स्मॉल चैप्टर की तो समरी बनानी है, ताकि लास्ट में आप उसको इजीली रिवाइज कर पाओ। आपको इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि हमें समझ सब आ जाता है लेकिन ऑडिट हम आंसर लिख नहीं पाते। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, तो सोचो कि इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना है, अगर ये आंसर है तो इसका क्वेश्चन क्या होगा। ये स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे तो आप एग्जाम में अच्छे से आंसर को याद रख पाओगे। सेकंड थिंग, आपको मेमोरी ट्रिक्स यूज करनी है। देखो ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे आपको मेरिट्स, डिमेरिट्स आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर मेमोरी ट्रिक्स यूज करनी है, और इस मेमोरी ट्रिक्स की भी एक समरी बनानी है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये मेमोरी ट्रिक्स है और मेमोरी ट्रिक्स का मतलब ये है, ताकि आपको लास्ट डे पर चीज़ें रिवाइज करने में भी हेल्प होगी, प्लस एग्जाम टाइम पर चीज़ें रिकॉल करने में भी हेल्प होगी। तो देखो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते एग्जाम में, अच्छे से आंसर नहीं लिख पाते। तो जितना आप क्वेश्चन आंसर पर फोकस करोगे एग्जाम में, आप आंसर उतने ही अच्छे से लिख पाओगे। और इन सब में आपको करना है एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस करना है, प्लस लास्ट डे रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस मार्क करने, ताकि वो देख के जाओ तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहे। ये आपका हो गया फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट। फर्स्ट रिवीजन में हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर किए, सारी चीज़ों को डिटेल में समझने का ट्राई किया, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग अच्छे से हो गई ना, तो सेकंड और थर्ड भी इजीली हो जाएगी। अब आपका आता है सेकंड एंड थर्ड रिवीजन। सेकंड रिवीजन को मैंने 18 डेज दिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को 6 डेज। अब आपको करना क्या है, कोस्ट एंड एफएम दोनों में सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट रीड करोगे, प्लस एओसी कैटेगरी के क्वेश्चंस करोगे। देखो आपने पहले एबीसी एनालिसिस किया था कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगे थे, आपको सिंपल लगे, उसको सी क्वेश्चन मार्क कर दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसकी वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया, तो उसको आपने बी मार्क कर दिया। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एकदम से नए थे या नहीं देखते तो आप कर ही नहीं पाते, अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन थे, उनको आपने ए मार्क कर दिया था। तो अब आपको क्या करना है, ए और सी कैटेगरी के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रिविजन का मतलब ये नहीं होता आप सारी चीज़ें रिवाइज करो, रिविजन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट करो, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आए तो आप उसे हैंडल कर पाओ। तो आपने ए और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका एक बार सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का पेपर देखना है कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया लेना है कि एग्जाम में पेपर आएगा कैसे। ओके, अब ऑडिट में आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवीजन लेक्चर्स देखो। देखो रिवीजन लेक्चर्स से आपके जो कॉन्सेप्ट रह गए होंगे, चीज़ें समझ नहीं आई ना, वो अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत सारे टीचर्स मेमोरी ट्रिक्स लिखाते हैं, तो वो आप ले लोगे। इन सबसे क्या होगा ना, कि जब कोई टीचर आपको बोल के समझाता है ना, तो आपके माइंड में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, प्लस जो कन्फ्यूजन आपको चल रहा होगा वो भी दूर हो जाएगा। अगर आप रिविजन लेक्चर प्रिफर नहीं करते, तो आपको अपने नोट्स से रीड कर लीजिए, फिर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं,
अब देखो यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने फर्स्ट रिविजन में भी सारे क्वेश्चंस किए थे। थर्ड, राइटिंग प्रैक्टिस, हर एक चैप्टर में एक क्वेश्चंस आपको खुद से लिखना, क्योंकि ऑडिट में हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसका रीजन ही यही है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है। अब आपका आ गया थर्ड रिविजन। थर्ड रिविजन को मैंने एलोकेट किए 9 डेज, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को 3 डेज। कोर्स और FM एंड SM दोनों सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर बी कैटेगरी के क्वेश्चंस करने जो हमने सेकंड रिविजन में छोड़ दिए थे, प्लस वो क्वेश्चन करने जो आपको सेकंड रिविजन में थोड़े डिफिकल्ट लगे थे कि यार नहीं हो पाएगा, जो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, फिर से रिविजन की जरूरत थी, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने। अब आपको ट्राई करना है कि सारा काम आपके 2.5 दिन में हो जाए, जो बचा हाफ डे ना आप मॉक टेस्ट पेपर को दोगे। यानी एक मॉक टेस्ट पेपर तो मुझे सोल्व करना ही है। इससे क्या होता है, एग्जाम में जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ऑडिट में क्या करना है, ऑडिट में आपको थर्ड रिविजन में सारे नोट्स अच्छे से रीड करना है। देखो क्या होता है ना, ऑडिट में हम आंसर लिख नहीं पाते, जितना आप अपने नोट्स को रीड करोगे, क्वेश्चन आंसर को रीड करोगे, आप जब आंसर लिखोगे तो वो टेक्निकल लैंग्वेज आपके आंसर में आएगी, जो आपको रियली हेल्पफुल रहेगी। ऑडिट में एक्टिव रिकॉल मेथड यूज करना। एक्टिव रिकॉल मतलब जो भी स्टडी किया है उसको एक्टिवली रिकॉल करो। थर्ड थिंग, आपको ऑडिट के लिए मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपको आपकी स्टडी में हेल्प करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।